आज के एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सब देख सकते हो, एक मिनट। अभी ने आप जैसा देखा कि कैमरा मेरा गिर चुका था, नहीं आज मैं इसे पटकूंगा नहीं, इसे मैं आराम से साइड में रखूंगा, आपके लिए सरप्राइज है। तो आप सोच रहे होंगे इस बॉक्स में क्या है। वैसे तो आप सब वीडियो देखने से पहले ही जान जाते हो इस बॉक्स में क्या है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या है। इसे हम बीच से ही चीरफाड़ कर दिए। हमें एक छाता मिलता है, एक और छाता मिलता है, और एक बहुत हैवी सा एक ट्राइपोड मिलता है, आप देख सकते हो। और हमें एक और बहुत हैवी सा ट्राइपोड मिलता है। अब बॉक्स में हमें स्टैंड मिलता है और एक और स्टैंड मिलता है। बॉक्स में हमें कुछ और नहीं मिलता है, आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसा ट्राइपोड मिलता है जो कि वाकई में इसकी वेट बहुत ज्यादा है। और इसके साथ हमें एक स्टैंड मिलता है जिसमें मैं अपना छाता और लाइट टांग सकता हूँ। तो ये पूरी की अनबॉक्सिंग पहले करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हमें ऐसा कुछ ही मिलता है। एक छाता है, एक और छाता है। सब पॉलिथीन से हम निकाल लेते हैं पहले। ये देख सकते हो, एक और आप मिलता है। इन सबको साइड करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख सकते हो, कुछ हमें ऐसा ये दिखेगा। और एक बल्ब मिलता है जो कि 1000 वॉट के साथ आता है। हम दूसरा साइड ओपन करते हैं। दो ट्राइपोड आया तो दो बॉक्स भी आएगा, दो लाइट भी आएगा। तो हमें एक और मिलता है लाइट स्टैंड, और इसके साथ हमें एक और बल्ब मिलता है 1000 वाट के साथ। आइए इन दोनों को सेट करते हैं इस लाइट में। ये हम ऐसे ओपन पहले करते हैं, हमें कुछ ऐसा ही दिखता है। और हमें कुछ इस तरफ पुश, इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पुश करने वाला है दोनों तरफ। ये हम पुश करते हैं, देख सकते हो एक लग गया। और दूसरे की में हम लगाते हैं बल्ब, ये भी देख सकते हो लग गया। यहाँ पे ग्रिप बना होगा जो कि आप सब DSLR में देखते होंगे कि ऐसा बना होगा जिसमें हम स्टैंड कर सकते हैं। और पीछे आपको स्विच मिलेगा जिसमें दोनों में मिलेगा ऐसे ही सेम। हमारा दोनों लाइट है तैयार जलने के लिए। तो वायर की लंबाई भी आप देख सकते हो अच्छी खासी है, 1 मीटर तक लगभग इसकी वायर की लंबाई है। आइए ट्राइपोड में लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइपोड की हाइट देख लेते हैं, खोलते हैं देखते हैं इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है। क्वालिटी की बात करो भाई, मानना पड़ेगा इसकी क्वालिटी बहुत हैवी है, वो एक्चुअल में हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हो ट्राइपोड मेरा तैयार हो रहा है। इसके साथ हमें एक ये मिलता होल्डर जिसमें मैं यहाँ पर सेट करूँगा। ये देख सकते हो, इसके छाते को भी मैं सेम ऐसे ही लगा दूँगा और मैं इसे फैला दूंगा। सारा कुछ एडजस्ट होता है लाइट के साथ, प्लस छतरी होती है, इसी का मेन काम है। और सब तो ये स्टैंड होता है, हम इसमें अपना लाइट लगाते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हो हमारा एक लाइट तैयार हो चुका है। शायद पूरा कैप्चर नहीं हो रहा, मैं इसे नीचे कर देता हूँ थोड़ा। अब शायद कैमरे में पूरा कैप्चर हो रहा होगा। तो आइए हम इसमें ये प्लग खोज के देखते हैं। तो 1 2 3 आप देख सकते हो कुछ ये ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा हमें हीट भी दिख रहा है, थोड़ा सा गर्म गर्म मुझे लग रहा है। एक्चुअल में बहुत हीट है इसके अंदर, 1000 वॉट का है। ऐसे मैं दूसरे छाते को भी तैयार कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हो मैं दोनों लाइट सेट कर दूँगा, बस जलाने की बारी है। 3 2 1 बात करूँ, ये वैसे येलो लाइट आपको वाइट दिख रहा होगा बट ये येलो है। ये कुछ छाते हैं, इस छाते से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वाइट लाइट में चेंज कर देता है। मैं इसमें लगाता हूँ, मैं दोनों तरफ सेट कर दूँगा, आप बताना फोकसिंग कैसा है। आप बताओ कि ये कैसा मेरे चेहरे पर फोकस दे रहा है। और वह कहीं में अभी यहाँ तक हीट मुझे वो लग रहा है। आप देख सकते हो कुछ मेरे चेहरे पे ऐसे कुछ फोकस दे रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा ये लाइट आपको लगा। तो एक कुछ छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।